Well, it was expected to be a close encounter, an India-Pakistan World Cup match often is, but this wasn't one. And joining me, Rahul Pandey, to talk about this game, which was a comprehensive victory for India. Two more points for them and they go to the top of the table at the 2023 ODI World Cup. Joining me to talk about it is Devendra Pandey, our senior cricket correspondent all the way from Ahmedabad. Devin bhai, aap just hotel reach kiye hain, even though हम सोच रहे थे कि ये मैच तकरीबन कुछ 10:30 बजे तक चलता, आप अभी भी स्टेडियम में होते, यू नो सम प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्ट हैव बीन गोइंग ऑन, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ प्रीटी डैम्प अफेयर. या एक्चुअली इवन आई थॉट कि ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्रॉब्ली वर्ल्ड कप का यही सबसे बड़ा मैच है. इसके बाद कोई किसी को इतना इंटरेस्ट होता नहीं, पर ऑफकोर्स जो जो की कॉन्टेस्ट हमें लगा देखने मिलेगा वो नहीं मिला. एट द एंड ऑफ द डे द वे इंडियन टीम थ्रैश कह सकते हैं, क्योंकि इतनी कन्विंसिंगली मारा है पाकिस्तान टीम को, एकदम तो वन साइडेड गेम. तो कहीं ना कहीं वो एक जो शाम था या एक्साइटमेंट था कि यार ये मैच बहुत ही अच्छा मैच होगा, वो नहीं हुआ. बट ऑफकोर्स इंडिया वन एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज इम्पोर्टेंट. And I think the reason we all expected that to happen was because of the constitution of this Pakistan team and because of how both the teams came into the contest. Do-do match jeet chuke the. And Pakistan, obviously, world tournaments in the last couple of years has been, you know, one of the teams to watch out for. But conditions kuch kaha ja sakta aisi thi, because pehle over se hume pata pad gaya tha ki ball mein movement utna nahi hai. The wickets that Indian bowlers took was courtesy of those cross seamers or the wobble seam delivery or the slower ones, un tarah ki deliveries se wicket mile Indian bowlers ko, spin bhi nahi tha itna. So I think that also sort of restricted options for Pakistan going into this match, because bowling unki hamesha se ek bahut badi strength rahi. हाँ, लेकिन आप देखो तो जैसे उनका कोलैप्स हुआ वो पाकिस्तान टीम ही कर सकती है. कैसे ग्राफ बाबर और रिजवान का अच्छा चल रहा था, एंड सडनली देयर इज अ कोलैप्स. ओनली समबडी ट्वीटेड, आई नासिर हुसैन ट्वीटेड दैट ओनली पाकिस्तान कैन मैन्युफैक्चर सच अ कोलैप्स, क्योंकि इतना अच्छा वेल पोजिशन पे थे और सडनली यू सी टीम ऑल आउट इन 191. तो कहाँ समझ में नहीं आया उनको कि क्या हो रहा है क्या, और ये कहाँ जाने वाला है करके टाइप्स. डिसअपॉइंटिंग था उनके लिए. और फिर बाद में मिकी आर्थर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए भी थे और उनसे पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है और कहीं फैंस की कमी महसूस हुई कि नहीं, तो वो थोड़ा अपसेट साउंड किए. वो रीजन देने लगे कि सैडली इट लुक्स लाइक मोर देन आईसीसी से ज़्यादा ये बायलेटरल एंगेजमेंट लग रहा है, क्योंकि पूरा इंडियन फैंस है और बोलते दिल दिल पाकिस्तान के गाने भी नहीं बजे. तो ये कोई रीजन नहीं थे, आप गाने सुनने थोड़े आए हैं, आप तो परफॉर्म करने आए थे. गाना सुनना था आप ड्रेसिंग रूम में बजाइए, और लोग हैं ही नहीं पाकिस्तान में, किसके लिए बजाएंगे दिल दिल पाकिस्तान करके. मतलब गिन चुन के 3 या 4 ही फैन होंगे जिनको मिला, कुछ जर्नलिस्ट. तो वो एक बोले कि हाँ लगा नहीं सैडली कि ये आईसीसी इवेंट है, लुक लाइक बायलेटरल करके. तो ये एक था, पर लेकिन अभी पाकिस्तान हैज प्रॉब्ली नो एक्सक्यूज ये सब, क्योंकि उन्होंने खराब खेला है. पार्टनरशिप डेवलप बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, ठीक है, 155 तक पहुंचा है, आई थिंक इट वाज एन 83 रन स्टैंड और समथिंग, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट वाज अ पीच ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम सिराज, क्योंकि वो बॉल थोड़ी स्किड करी सरफेस पर, जैसा कि उस टाइम सुनील गावस्कर वाज इन द कमेंट्री एंड ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, कि इट वाज इन द मूवमेंट सो मच, बिकॉज हमने देखा है सिराज ऑफ्टन जो है राइट हैंडर्स को, इवन दो आपको मूवमेंट नहीं मिलता, वो बॉल अंदर ले आते हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑफ कटर्स, बिकॉज ऑफ द क्रॉस सीमर्स दैट ही बोल्स, बट उस पर्टिकुलर केस में बॉल थोड़ी स्किड गई थी सर्फेस में, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इंडियन स्पिनर्स ने भी थोड़ा स्निफ करना शुरू किया कि बॉस यहाँ पर कुछ तो मिल सकता है हमें. दोज क्विक विकेट्स, कैसे माहौल बदला स्टेडियम में, उसके बारे में कैसे बात करें? एक्चुअली वो सिराज से एक चीज पूछा गया कि कैसे प्लान किया गया. वो जो शफीक का विकेट था, उन्होंने बताया कि एक उन्होंने बाउंसर डाला और उसके बाद दूसरे बाउंसर के बाद उस एक लंबी सी कॉन्वर्सेशन हुई शायद रोहित शर्मा या विराट कोहली के साथ. तो शफीक को लगा कि ऑपोजिट एक और बाउंसर आने वाला है, तो शायद वो बाउंसर के लिए मेंटली रेडी थे.
उन्होंने पीछे खेला और बॉल आगे पड़ी, तो जब तक उनको टाइम मिलता बॉल पैड पे लग चुकी थी। और उसके बाद जो कुलदीप के दो एक ओवर में दो विकेट आए, इफ्तिकार का तो एक्चुअली सुपर मतलब अच्छा डिलीवरी नहीं था, वो तो ग्लव्स को लग के पीछे गिरा, तो वहां जो तीन विकेट आ गए तो इंडिया के पास मोमेंटम वापस आ गई। एंड जस्ट द वे बुमराह बोल्ड और दे हैड नो आंसर्स, पाकिस्तान एक्चुअली हैड नो आंसर्स हाउ टू टैकल इंडिया इंडिया ऑन दिस सरफेस, क्योंकि इतना टर्न भी नहीं हो रहा था, एक आध बॉल लो स्लो था, तो दे हैड प्रॉब्ली ज्यादा या तो प्रेशर में स्कप कर गए या दे कुडंट एबल टू हैंडल द एनवायरमेंट। जैसे ही बॉल कोलैप्स हुआ इट जस्ट फेल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। एक बार और फिर से हम इससे पहले हम बैटिंग पे जाए रोहित शर्मा के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द बॉलर हु आई थिंक एवरी इंडियन फैन रियली थैंक्स ऑलमाइटी फॉर एवरी सिंगल डे, जसप्रीत बुमराह, राइट? आई मीन इस बॉलर को कौन नहीं चाहेगा अभी एट दिस स्टेज इन द टूर्नामेंट व्हेन इंडिया हैव वन थ्री गेम्स टू रैप हिम इन अ कॉटन वूल और समथिंग एंड देन जस्ट ब्रिंग हिम आउट फॉर द बिग गेम्स, राइट? क्योंकि उस तरीके के बॉलर है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ही कैन प्रोवाइड यू दोस विकेट्स एंड ही डज दैट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. या ही द मैच विनर फॉर यू और आगे प्रॉब्ली गोइंग एट आई डोंट नो टीम कैसे इनको यूटिलाइज करेगी, कि या प्लेइंग बांग्लादेश एंड देन न्यूजीलैंड, बट ऐसे बॉलर्स का ये भी रहता है कि आपको मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जहां से रुके तो फिर बॉडी वैसे रिएक्ट कभी कभी नहीं करती है, तो टीम विल प्ले आउट विल यूज इन स्मार्टली, ज्यादा भी उसको दौड़ाएंगे नहीं, भाग नहीं करवाएंगे उससे, उसको धीरे धीरे करवाएंगे उसको। तो आई एम श्योर टीम नोज मच बेटर देन वी ऑल कि उसको कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कि दे नो दे आर द बिगेस्ट एसेट। हमने देखा जो उनकी कमी हमें ऑस्ट्रेलिया की 2022 वर्ल्ड कप में भी खली, जब वो नहीं खेले क्या हुआ करके, तो गोइंग एट 50 ओवर्स में ही इज ड्राइविंग द बेसिकली इंडियन बॉलिंग अटैक एट दिस मोमेंट। एंड लीडिंग दी चार्ज विद द बैट ऑब्वियसली कैप्टन रोहित शर्मा. इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने बोला था कि यू नो आई लव टू गो बैक इंटर दैट 2019 वर्ल्ड कप वाला जो जूजू था उनका, फाइव सेंचुरीज, एंड ही डज लुक लाइक ही इज गॉटन बैक इनटू दैट फॉर्म, बिकॉज जो अग्रेशन है रोहित शर्मा द ओपनर का, दैट वी हैव सीन आफ्टर लॉन्ग टाइम. बीच में एक दो साल जो उनका वनडे में जो भी छोटे कुछ कुछ मैचेस हुए उसमें ऐसा लग रहा था कि यू नो दैट्स नॉट द सेम बैटर, बट ऑल ऑफ अ सडन मे बी इट्स दी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का वो जो ब्रांडिंग है उसको देख के वो अलग मोड में चले जाते. सो आई थिंक यू नो इज रियली स्टेप्ड इनटू दैट मोड और आज उनकी बैटिंग राइट फ्रॉम द वर्ल्ड को. ऑफकोर्स एक जोन में है, एक जो ग्रेस और एक टाइमिंग आता है, ये मतलब स्लो किल करते हैं और ऐसे प्यार से लगते हैं, जैसे एक उन्होंने कवर पे सिक्स मारा स्लो वन हसन अली को, वो अलग ही जोन था, मतलब एक म्यूजिक बज रहा है ऐसे ठाक एक से लगा करके, और लगा ही नहीं सकते किससे जा रहा है, पर रोहित वॉज कंप्लीटली एकदम जोन में होता ना, उसका बैट लगता कि उसको बैट एंड में घूम गया 86 पे, तो उसके आउट भी हो गए, पर अलग ही जोन पे लग रहे हैं, अलग ही ट्यून पे, और अच्छा शायद टीम का माहौल अच्छा चल रहा है, और जो यहाँ से दिख रहा है टीम जीत भी रही है, तो वो अफगानिस्तान 100 मस्ट हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अच्छा इनिंग के बाद उन्होंने वो एक कैरी ऑन किया है करके, तो और आप मैं खुश हूँ कि इसमें शेयर से ये का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि वो भी अपना कंटिन्यू किए हैं, 50 रन उन्होंने भी मारा है करके, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन टीम को चाहिए था वो सब टच वुड सब काम कर रहा है, सब जो मशीनरी या जो चाहिए उनको ये सब लीग मैचेस में काम कर रही है। ट्रू, डेफिनेटली. आई थिंक यू नो एक चीज जो मेरे दिमाग में आई, आपने बात की वो रोहित शर्मा के कवर्स के ऊपर, सिक्स की, देयर वाज देन ओवर जहां पे हारिस रॉक को दो छक्के मारे उन्होंने, वन डाउन द ग्राउंड देन अदर थ्रू द कवर्स. एंड मुझे याद है वो वीडियो विच वॉज ऑफ हारिस रॉक एंड विराट कोहली, जहां पे उन्होंने विराट कोहली को बोला था कि यू नो जहां भी मैं जा रहा हूँ मुझे लोग कोहली कोहली बुला रहे हैं. आई एम थिंकिंग उन दो छक्कों के बाद में मे बी उन्हें अब रोहित शर्मा का रेफरेंस दिए जाए वो जहां नहीं मर्जी नहीं जाए. नहीं 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 आई टोटली अग्री, क्योंकि वो विराट का बॉस, वो लुक एट द सिचुएशन, क्योंकि वहां वो जो जो क्लोज मैच था और उसके बाद इतना क्लोज मैच ये नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का टाइट मैच, लगा ही नहीं था मैच जीतेंगे, वो कहाँ से उस सिक्स लगा है, वो विराट खुद फॉर्म में नहीं चल रहे थे, विराट मतलब विराट विराट कोहली नहीं लग रहे थे, तो वो आई विल नॉट बिकॉज स्टिल विराट हारिस रॉक को विराट का ही याद दिलाएंगे, वो सिक्स प्रॉब्ली वन द बेस्ट इन लास्ट डेकेड था, जिस हिसाब से विराट ने मारा, विराट को भी लगा नहीं रहा होगा कि सिक्स कैसे लग गया, कभी दिन होता है ना प्लेयर का, वो वाला दिन था उनका। बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक एक और जो बात थी देवेन भाई उस मैच में, विच यू नो गोइंग बैक टू व्हाट निकी आता से,
देखो इंडिया पाकिस्तान फैंस इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स. ऑफ कोर्स वो रोहित शर्मा की जो फेमस लाइन है ना, 51% इंडियंस 49% पाकिस्तान, वो वाला रेशियो. बट देयर वर पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स चेयरिंग फॉर द टू टीम्स एट द एमसीजी. यहाँ पर बहुत अलग अफेयर था. एक तो स्टेडियम इतना बड़ा बन चुका है कि यू नो इवन इफ से 1000 सीट्स आर एम्प्टी, ठीक है, आपको जो है मतलब पता पड़ता है यहाँ पर किस तरीके से जनता का क्या प्रोपोर्शन रहा है. फर्स्ट मैच में 50,000 सीट्स एम्प्टी थी, बहुत खाली लग रहा था. बट यहाँ पर सारी सीट्स ब्लू, ऑल द इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस ऑफ कोर्स नॉट देयर नंबर्स. तो एक अलग माहौल लगा होगा इस मैच का, स्पेशली कंपेयर टू लास्ट ईयर जब आप मेलबर्न में थे. हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि ना जब लास्ट एक कार्निवल था मेलबर्न में, आप देख रहे पाकिस्तानी बैंड आ रही है और यहाँ से इंडियन बैंड आए जा रहे, पंजाबी सॉन्ग बज रही है, नाच रहे गा रहे, एक अलग सा कार्निवल था जो यहाँ नहीं दिखा. मतलब था, आप स्टेडियम के बाहर जाए तो सिर्फ इंडिया इंडिया ब्लू ब्लू ही दिख रहा था. जब आप ऐसे बड़े कॉन्टेस्ट में आते हैं आईसीसी इवेंट में, तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक यू नो बैलेंस होना चाहिए. फैंस दोनों तरफ के होते तो एक अलग एक्साइटमेंट होता था, पाकिस्तान टीम के लिए भी एक अलग होता. तो कहीं ना कहीं जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई होगी तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए. तब ये सिक्योरिटी का मसला, ये गवर्नमेंट का इश्यूज है कि क्यों वीजा इतने डिले हुए और फैंस को क्यों नहीं दिया गया, व्हाई दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इट, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप इवेंट एट द एंड ऑफ द डे. ऑफकोर्स देर आर इश्यूज, बट उससे उठ के थोड़ा देखना चाहिए था. एटलीस्ट कुछ फैंस ये मैच आने चाहिए थे, क्योंकि उनको दोबारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखने का मौका शायद ना मिल पाता. जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इतना बड़ा 1,30,000 का कैपेसिटी का, पाकिस्तान के फैंस कभी शायद ना देख पाए. अगर आईसीसी इवेंट आगे हालात क्या हो पता ना हो, पर आईसीसी इवेंट ही एक मौका था उनको ये स्टेडियम एक्सपीरियंस करने का. तो कहीं ना कहीं वो मैंने मिस किया, जो जैसे मेलबर्न जैसा था ही नहीं. मेलबर्न अलग ही था, वो माहौल, जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं वहां, नाच गान है, वो हो रहा है, वो यहाँ नहीं था. यहाँ आगे थोड़ा सा बस इंडिया भाई जीतेगा करके था, थोड़ा जय श्री राम के नारे वहां लगे और फिर थोड़ा गूजबम आया जब सबको गूजबम आया जब इंडिया नेशनल एंथम बजने लगा एक, और वंदे मातरम जब पूरा क्राउड गाने लगा, तो वो सब पल लखो सब लेके जाएंगे. और एट द एंड अच्छा और थोड़ा कीन कॉन्टेस्ट होता ना तो मजा आता, पर लेकिन पहला इंडिया जीत गया एंड एवरीवन इज हैप्पी. True. Lastly, Dhiman bhai, I think Rohit Sharma was also asked this towards the end of the game. It's a big match जो इंडिया के एक रास्ते से कह सकते हैं साइड कर दीजिए. अब लीग स्टेज में 6 मैचेस और बाकी, ठीक है, बिफोर यू गेट इनटू द सेमीज. हाउ डू यू सी द कैरवान मूविंग फ्रॉम हेयर? बिकॉज दो बड़े मैचेस होंगे इनसाइड व्हाट अ वीक, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, एंड बिफोर दैट इंडिया गो टू बांग्लादेश ना. सो इस जीत से एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंडिया के जो चांसेस हैं ऑब्वियसली फीचरिंग इन द सेमीज, दे आर नाउ ऑलमोस्ट सर्टन. या बट एज आई सेड राहुल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिया को लीग लीग अच्छा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे हैं. जो लीग स्टेज में एक ऑस्ट्रेलिया टीम थी जिनको वो एक कीन कॉन्टेस्ट हो सकता था, न्यूजीलैंड मैं देख रहा हूँ, साउथ अफ्रीका टिल एक्सटेंड इंग्लैंड भी अच्छा कॉन्टेस्ट दे सकती है. पर लीग फेज में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखें कि 10 10 टीमें हैं जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं, पर चार इतनी ढंग की नहीं है ना, बांग्लादेश, नीदरलैंड, अफगानिस्तान और श्रीलंका मान के चले. तो 6 टीम ही है बेसिकली कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसमें से अगर आप लीग फेज निकल जाएगा इंडियन टीम का नॉकआउट में, बस होपफुली जिस दो जैसा 2019 में हुआ एक खराब दिन जो इंडियन टीम का नहीं चाहिए वो उस दिन आया हो, लेट्स होप एंड प्रे कि ऐसा दिन ना देखने मिले और इंडिया गो थ्रू स्मूथली इन द फाइनल्स. Yeah. I think, I just would have ended the video here, but मुझे याद है कि आपने 2022 वाले मैच के बाद में हार्दिक पांड्या को जामवन की उपाधि दी थी कि उन्होंने विराट कोहली को अपनी शक्ति का या एहसास दिलाया. आज कौन सी नहीं माइथोलॉजिकल रेफरेंस है आपके पास नहीं आ रही? आज तो बेसिकली रोहित रोहित शर्मा को अपनी शक्तियों का आभास था पूरा, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं थी, बस वो आए और एकदम लीडर की तरह उन्होंने यंत्र चलाया यहाँ वहां और सब लगते गया. रोहित बड़े काम लगे, रोहित एकदम मन मन एकदम मन मन मुस्का मुस्का के मार रहे थे एकदम, तो एकदम अच्छा भोलेनाथ के मूड में थे आज वो, एकदम जहां मार रहे हो लग रहा है करके, एकदम खाली एक ही खराब दिन खराब शॉट लगा उनका. वेल देयर यू हैव इट फ्रॉम देवेंद्र पांडे द मैन हिमसेल्फ. थैंक यू सो मच देवेंद्र भाई फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक्स टू यू आवर ऑडियंस फॉर ट्यूनिंग इन. ऑब्वियसली यू विल गेट एन अरे ऑफ कॉन्टेंट एज फार एज द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट इज कंसर्न. यू कैन ऑब्वियसली लिसन टू द इंडियन एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पॉडकास्ट व्हिच इज अवेलेबल फ्रॉम वेयर एवर यू गेट योर पॉड्स फ्रॉम, एंड देन
Obviously, they do stay tuned to our YouTube channel and our social media portals to hear more from our reporters. Thank you so much for joining us.